देखने को मिल जाएगी। इसमें भी मेटल के आपको बकल्स देखने को मिलते हैं और ऊपर ऊपर भी देखोगे ना तो हल्का हल्का रिब्ड पार्ट देखने को मिलता है। ये छोटू सा जो ब्रांडिंग इन्होंने पीछे दिया है ना, ये ब्रह्मा लिखने की जगह सिर्फ लोगो लगा देते तो इनफ था। नेक्स्ट जो कैप है वो एक खूबसूरत सा मरून कलर का कैप, सेम डिजाइनिंग जैसा डेनिम वाला था लेकिन इसमें टेक्सटाइल फैब्रिक यूज हुआ है और फ्रंट में आपको अगेन वही ब्रह्मा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बैक में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड है, आर्ट इन आवर हार्ट, वाह। और साथ ही इसमें ब्रास के आपको बगल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि खूबसूरत लगते हैं। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, इन सारे कैप्स को आप पीछे देखते जाओ। नेक्स्ट जो कैप है वो भी एक अलग डिफरेंट फैब्रिक के साथ आता है, इसमें यूज हुआ है भाई कॉटन कॉर्डरॉय। अगर कॉर्डरॉय फैब्रिक आप नहीं जानते, इसमें जैसे टेक्सचर्स बने हुए हैं ना वैसे टेक्सचर्स वाले फैब्रिक को बोलते हैं कॉर्डरॉय। फ्रेंड में आपको अगेन थोड़ी सी टेक्सचरोग्राफी देखने को मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेड आर्ट सिंडिकेट। फॉन्ट साइज ना थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी, प्रॉपर विजिबल नहीं है। साइड में आपको हाउस ऑफ ब्रह्मा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पीछे आपको ब्रह्मा लिखा हुआ मिल जाएगा। ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, साथ ही आपने देखा कि किस तरह से बॉक्स में अच्छे से पैक करके आया था। दोस्तों बात करेंगे गिव अवे की, बस आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना है कि आपका फेवरेट कैप कौन सा था इस पूरे वीडियो में। साथ ही अपना इंस्टा आईडी टैग करके हम इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो ताकि हम आप तक एग्जैक्टली पहुंच सके। एक लकी विनर को मिलेगा एक ब्रांड न्यू स्नीकर। जो कैप है भाई हमारा वो बहुत ज्यादा महंगा कैप है। हम हमेशा ना ये भी ट्राई करते कि महंगे महंगे चीजें क्या आखिर बेच रहे जो इतना पैसा ले रहे वो भी देख लेते हैं। पिछले वाली वीडियो में भाई हमने अरमानी एक्सचेंज के प्रोडक्ट ट्राई किए थे, इस बार ट्राई कर रहे भाई रिप्ले को। रिप्ले बहुत प्रीमियम ब्रांड है, नहीं पता तो बता दूं प्राइस यहां पे लिखी हुई 4,599 रुपए। इतना पे नहीं करना, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये कैप मेरे पास आया थोड़ा सा मैं ना अंदर से कंफ्यूज था। फ्रंट में आपको मिलता है ग्रे कलर, बैक में मिलता है ब्लैक, जितना भी बैक वाला पार्ट है वो पूरा नेट है, यानी ये बन जाता है एक टकर कैप। फ्रंट में डिजाइनिंग के लिए एक बड़ा सा रबर पैच यहाँ पर लगाया गया जिसके ऊपर रिप्ले की ब्रांडिंग की गई है, थोड़ा थोड़ा बैटमैन का लोगो जैसा दिखता है। हल्के हल्के आपको इसमें भी रिप्ड पार्ट देखने को मिल जाएंगे, साइड में आपको ब्रांडिंग मिलेगी रिप्ले की और अंदर में ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर की तरफ आपको इसमें भी कैप शेपर देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल कैप की क्वालिटी अच्छी मैं कहूंगा, मेरे को इसमें कुछ वैसा अलग सा कुछ नहीं लगा जिसके कारण मैं 2,500 रुपए पे करूं। हाईएस्ट अमाउंट अगर आपको पे करने की जरूरत ही है ना तो 1,500 रुपए से ऊपर मत जाना किसी कैप के लिए, और 1,200-1,300 रुपए में ना अर्बन मंकी के सारे कैप्स आ सकते हैं। इस वाले कैप के बैक में आपको मिलता है प्लास्टिक का एडजस्टेबल स्ट्रैप और साइड में थोड़ा सा टेक्सटाइल फैब्रिक का ना यहाँ पर पैच लगाया गया है, इनकेस अगर आप कैप को उल्टा पहनते हो तो अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट कैप आ गया हमारे पास में, जैक एंड जॉन्स का कैप एक, और बहुत सारे लोग भाई जैक एंड जॉन्स का कैप पहनते हैं। यहाँ पर आपको सेम टैग देखने को मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 799 जो कि बहुत ज्यादा अच्छी प्राइसिंग इन्होंने रखी। ब्लैक कलर का पूरा कैप है, सेम टेक्सटाइल फैब्रिक से बना हुआ है। फ्रंट में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग मिलेगी जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्बोस्ड है, और अंदर की तरफ आपको अगेन वही पैडिंग वैडिंग सब कुछ सेम मिलती है। एक अलग चीज क्या है कि बैक केस के बकल में भी आपको जैक एंड जॉन्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी और ऊपर में लिखा हुआ है ब्रदर्स ऑफ डेनिम। ओवरऑल क्वालिटी इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओकेजनली अगर आप कैप पहनते हो तो किसी भी तरह का कैप पहन सकते हो, लेकिन डेली पहनते हो ना मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप टकर कैप्स पहनो, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छा लगा है लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद, पेश, बूम।